हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले लगभग 7 से 8 ब्रेकिंग न्यूज़ से रिलेटेड, जो कि हम लोग मिक्स करके बात करेंगे। मिक्स मतलब कल के भी कुछ न्यूज़ है, आज के भी कुछ न्यूज़ है, उन लोगों को हम लोग समरी करके देख लेंगे कि कौन सी न्यूज़ यहाँ पे अच्छी खासी आई हुई है। इवन तो वो शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, बट आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट में अपडेट रहना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से रिलेटेड। वापस मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ये स्टॉक मैंने आप लोगों को अभी रिकमेंड तो नहीं किया है, बट ये जो न्यूज़ सामने आई है उसको तो हम लोग ज़रूर कवर कर ही लेंगे। सो लगभग 2% की जंप हम लोगों को इसलिए देखने को मिल रही है, इस कंपनी को मिल चुका है यहाँ पे लगभग 1500 करोड़ का इतना बड़ा ऑर्डर। सो ये न्यूज़ इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी है। तो इमीडिएटली 1500 करोड़ का ऑर्डर मिला है तो क्या हम लोग इधर बाय करें, तो ऐसा आप लोगों के दिमाग में नहीं आना चाहिए। बहुत ही जल्दबाजी है, मैंने आप लोगों को बहुत बार सिखा है, कंपनी का हिस्ट्री आप लोगों को जानना चाहिए। ऑर्डर मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने डायरेक्टली उसमें निवेश करना चाहिए। अगर आप L&T जैसी कंपनी देखोगे, लार्सन एंड टुब्रो, उस कंपनी को तो दिन में कितने सारे ऑर्डर आते हैं, बट स्टिल अगर आप उसका शेयर प्राइस देखोगे तो बहुत ही स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहा है। सो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी, कैसे कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है उसके ऊपर भी अगर आप जाके देखोगे तो बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, जो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। पूरा लाल लाल निशान आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यही इसके जस्ट Q3 के रिजल्ट। बट यस, ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जिसको हम लोगों ने कवर करना इंपॉर्टेंट समझा। 1500 करोड़ का ऑर्डर स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि उस कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। सो जो ये कंडीशन कंपनी की यहाँ पे चल रही ख़राब, उसको वो सुधारने के लिए थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर कर सकती है। मैं तो आप लोगों को अभी भी कहूंगा कि आप लोगों ने इस शेयर से दूर ही रहना चाहिए, बट यस, न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट शेयर है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल्स बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है, मतलब हुआ करता था बहुत ही अच्छा खासा लेवल पे, बट बाद में आप सभी लोगों को पता है कि सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक लेटर लिखा था, उसके बाद ये स्टॉक जिस तरीके से क्रैश हुआ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी, बट उसके बावजूद अभी हम लोग कह सकते हैं इस स्टॉक में एक 10% का अपर सर्किट 10% का जंप हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही सॉलिड है। एंड ऐसे ही 10% का जंप कोई भी शेयर नहीं लगाता है, उसके पीछे बहुत ही वजह होती है, अच्छी खासी वजह तो ज़रूर रहेगी। तो ये इसके पीछे रैली के पीछे की वजह क्या है, तो यहाँ पे हम लोग आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इंडिया बुल्स के ऊपर कुछ यहाँ पे एलिगेशंस लगा गए थे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी यहाँ पे बड़ा ऑफेंस फाइंड नहीं हुआ है, मतलब अगर आप और भी यहाँ पे देखोगे, द गवर्नमेंट प्रोब फाइंड नो मेजर इररेगुलरिटीज इन अ इंडिया बुल्स ग्रुप। सो इंडिया बुल्स के ऊपर अलग अलग कुछ चीज़ें रखी गई थी, एंड यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं MCA, उन्होंने इंडिया बुल्स को यहाँ पे कहा है कि कोई भी आप लोगों में जो इररेगुलरिटीज़, मतलब गड़बड़, कोई भी यहाँ पे गड़बड़ इंडिया बुल्स में हम लोगों को फिलहाल यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। एंड इसी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी न्यूज़ में यही कहा गया है कि इंडिया बुल्स में कोई भी गड़बड़ जिस तरीके से कंप्लेंट किया गया था वो तो फिलहाल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। एंड उसके बाद ही हम लोगों को इंडिया बुल्स में छोटा सा अच्छा सा रैली बहुत समय के बाद 10% का लगभग लगते हुए देखने को मिला है। सो न्यूज़ तो बहुत ही अच्छी है, जो कि आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वापस वही क्वेश्चन, तो आप लोगों को पता है थोड़ा सा फाइनेंशियल्स भी देख लेना है। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल्स खराब है तो डायरेक्टली शेयर खराब, बट यस, अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव परफॉर्मेंस हो चुका है। 40% से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट है हम लोगों को देखने को मिल रहा है, 55% की गिरावट। सो फिलहाल न्यूज़ तो बहुत ही अच्छी है। सो जब तक ये स्टॉक अपने फाइनेंशियल्स को यहाँ पे बेटर ऑफ नहीं करता है, तब तक मैं आप लोगों को इस स्टॉक से थोड़ा सा दूरी रहने को कहूँगा। बट यस, न्यूज़ बहुत ही अच्छी है, जो कि इस शेयर को ज़रूर बूस्ट देके और ऊपर लेके जा सकती है। फ्रेंड्स, उसके बाद और एक न्यूज़ यहाँ पे सामने है, आप सभी लोगों को पता है SBI कार्ड IPO अभी चर्चे में रहेगा, क्योंकि SBI कार्ड का IPO आने वाला है। डेट आप सभी लोगों को पता है 2 मार्च को यहाँ पे कंपनी का SBI कार्ड का IPO ओपन होने वाला है, 5 मार्च को वो डेट क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आप सभी लोगों को पता है 13 मार्च के आसपास आप लोगों को अलॉटमेंट हो जाएगा, एंड उसके बाद आप लोगों को वो शेयर लगभग 16 मार्च के आसपास आप लोगों को वो मार्केट में लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल सकती है। सो प्राइस बैंड अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 750 से लेकर 755 तक ये प्राइस बैंड हो सकता है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। कंपलसरी नहीं है कि यही रहेगा, यहाँ पर मैं यूज़ किया है, शायद से 750 से लेकर 755 तक का प्राइस बैंड यहाँ पर हो सकता है, जो कि SBI कार्ड के IPO में हम लोगों को कुछ ही दिन में ऑफिशियली कितना प्राइस बैंड रहेगा वो कंपनी की तरफ से समझ में आ जाएगा। सो ओवरऑल कंपनी के IPO, SBI कार्ड IPO से जुड़ी हुई, मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे मैंने बहुत सारी कुछ चीज़ें डिटेल में ही वहाँ पे बता दी थी। तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके SBI कार्ड के IPO से जुड़ी हुई
बहुत ही तमाम चीज़ें आप लोगों को देखनी है, तो ऊपर वो वीडियो आप ज़रूर देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत बड़ा आईपीओ रहेगा, यहाँ पे आप अमाउंट भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि 2nd मार्च से यहाँ पे शुरू होने वाला है, सो न्यूज़ तो बहुत ही अच्छी है। तो चलिए अभी थोड़ा सा नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है आप देख सकते हो येस बैंक के ऊपर है। हालांकि मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ ये न्यूज़ कल की ही न्यूज़ है, बट येस इसको कवर करना इंपॉर्टेंट है। कल हम लोगों ने बहुत ही अलग अलग वीडियोस को देख लिया था, तो जो हम लोग कवर करते हैं ओवरऑल न्यूज़ में, येस बैंक को भी हम लोगों ने कवर करना उतना ही इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली न्यूज़ बेस पे चलने वाला स्टॉक है। सो ये हरे निशान में हम लोगों को इसलिए थोड़ा सा देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी और एक यहाँ पे हम लोगों को इन्वेस्टर येस बैंक से जुड़ा हुआ सामने आते हुए देखने को मिल रहा है, एंड वो है हिंदुजा। हिंदुजा अगर आप देखोगे, एंड वो खुद ने यहाँ पे हिंदुजा आई टाई अप विद सर्वर्स कैपिटल टू इन्वेस्ट इन अ येस बैंक। सो हिंदुजा तो खुद आ रही है, उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे सर्वरस, जो कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों के जो पार्टनर रहेंगे, मतलब ये दोनों मिलके यहाँ पे बिड करने की कोशिश कर सकते हैं येस बैंक के स्टेक से रिलेटेड। सो वापस अगर आप देखोगे तो ये न्यूज़ तो शेयर को बहुत ही आसानी से ऊपर लेके जाना चाहिए था, बट इससे पहले भी हम लोगों ने येस बैंक में लगभग 3 से 4 महीने में ऐसे बहुत सारे निवेशकों को आते हुए देखने को मिला है। मतलब राकेश झुंझुनवाला भी हम लोगों ने देखा है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी का भी नाम सुना है। अगर हम लोग देखते बहुत ही इरिन सिंह जैसे $1.2 बिलियन लेके आने वाले थे, उनका भी नाम सुना था। सो ओवरऑल ये सारी चीज़ों के बाद जब तक येस बैंक के जो खुद कंपनी के जो MD एंड CEO मिस्टर रवनीत गिल या फिर येस बैंक की तरफ से कोई बड़ा ऑफिशियल खुद यहाँ पे चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करता कि यस हमारी डील फाइनल हो चुकी है, तब तक आप लोगों ने येस बैंक से दूर ही रहना चाहिए। एंड आप सभी लोगों को पता भी है इनके Q3 के रिजल्ट अभी तक आए नहीं है, जो कि उन्होंने पोस्टपोन कर दिए थे। सो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी जो कि एक येस बैंक के शेयर के लिए ज़रूर अच्छी है। हिंदुजा बहुत ही बड़ा रेप्यूटेड ग्रुप है, अशोक लेलैंड आप सभी लोगों को पता है अशोक लेलैंड ये हिंदुजा ग्रुप का ही शेयर है। सो येस शेयर बहुत ही हम लोग कह सकते हैं आगे जा सकते हैं अगर हिंदुजा ग्रुप इसमें निवेश करने की सोचे तो। सो दोस्तों, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉक देखेंगे तो एक पेनी स्टॉक है, बहुत ही छोटे अमाउंट पे चल रहा है, सुजलॉन एनर्जी, बहुत ही रिटेल निवेशकों का एक पॉपुलर चर्चे में रहने वाला स्टॉक है। उससे रिलेटेड इतने क्वेरीज आ गए थे तो मैंने सोचा इसको एक वीडियो में ज़रूर फीचर कर दूँ। तो लगभग 9% के आसपास आप देख सकते हैं अपर सर्किट लग चुका है, तो बहुत ही अच्छी खासी न्यूज़ तो ज़रूर है कंपनी के लिए, बट येस यहाँ पे निवेश करने की कोई गुंजाइश है नहीं। सो मैं आप लोगों को न्यूज़ ज़रूर बता करना चाहता हूँ कि ये कौन सी न्यूज़ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे सुजलॉन में हम लोगों को 10% की जंप इसलिए देखने को मिली बिकॉज एम द रिपोर्ट ऑफ एन SBI अप्रूविंग द रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल। येस दोस्तों, यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल के लिए यहाँ पे अप्रूवल यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी खासी बात है। बट येस जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि सिर्फ न्यूज़ अगर आप लोग सुन के अगर निवेश करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है भारी नुकसान। सो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी ज़रूर देखनी चाहिए, हालांकि पेनी स्टॉक है आप देख सकते हैं, यहाँ पे पैसा डालना मतलब पैसा जलाने के बराबर रहेगा। सो यहाँ पे अगर आप इनके परफॉर्मेंस भी देखोगे, रेवेन्यू हो या फिर ऑपरेटिंग इनकम हो, कैश ऑन हैंड, सारे चीज़ यहाँ पे हम लोग एक ही कह सकते हैं कि नेगेटिव देखने को मिल रहे। सो इस न्यूज़ के हिसाब से ये स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको कवर किया। मैं अभी भी आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, इस स्टॉक से आप लोग जितना दूरी बरतोगे उतना ही आपके पोर्टफोलियो के हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। सो सुजलॉन एनर्जी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। सो दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे IRCTC है, आप सभी लोगों को पता है। तो कल के दिन में वापस बहुत ही अच्छी तरीके से भागा था, लगभग 80 पॉइंट की जंप। सो इससे रिलेटेड भी डिटेल में मैंने वीडियो बना दिया है, सो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप ज़रूर IRCTC से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हो। इसने एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया था, मतलब 92 डेज ये जितना भी इसने ट्रेड किया उसमें से 92 दिन में से 23 डेज इसने नया अपना हाई तोड़ा है, तो और भी आगे ये हाई तोड़ सकता है। एंड बहुत सारे जो एक्सपर्ट है उन्होंने इससे जुड़े हुए बहुत बड़े बड़े टारगेट दिए, तो वो आप लोगों को देखना है कि कौन सा टारगेट है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर वो वाला कल का वीडियो देख लेना। सो IRCTC के बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसको भी मैंने कल आपके सामने कवर कर ही दिया था, एशियन पेंट। सो एशियन पेंट आप सभी लोग देख सकते हैं लगभग 2% से ज़्यादा की गिरावट, इतना आसानी से गिरता नहीं है। यस, प्रमोटर्स ने यहाँ पे अपने शेयर्स गिरवी रख दिए 4th और 5th फेब को, तो हम लोग कह सकते हैं बहुत ही भारी मात्रा में, मैंने आप लोगों को कहा था लगभग 50 लाख के आसपास हम लोग कह सकते प्रमोटर ने अपने शेयर क्या किए थे, यहाँ पे गिरवी रख दिए थे। सो उसी से जुड़ी हुई सारी बातें मैंने वो वाले वीडियो में बता दिए, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो आराम से, मैंने सारी चीज़ें बताई है क्योंकि ये स्टॉक मेरे भी पोर्टफोलियो में, मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, सारे सिनेरियो को मैंने उस वीडियो में ज़रूर कवर कर दिया है। सो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है जो कि बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडसइंड बैंक, हालांकि अभी 50% तक ही
अभी ये इंडसइंड बैंक मेरे पोर्टफोलियो में, एंड न्यूज़ बहुत ही अच्छी है इंडसइंड बैंक से जुड़ी हुई। सबसे पहले मैक्वेरीज, आप सभी लोगों को पता है फर्म बहुत बड़ी फर्म है, उन्होंने इंडसइंड बैंक के टारगेट 1850 यहाँ पे बता दिए हैं। एंड जिन्होंने जो भी ये सारी रीज़न बताए मैक्वेरीज ने, बहुत ही एक वैलिड रीज़न है कि कंपनीज के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट येस, उसी के साथ साथ जो टेलीकॉम का भी कुछ प्रॉब्लम था, इसके वजह से ये स्टॉक बहुत ही नीचे आ चुका है। सो 1850 का टारगेट ये मैक्वेरीज ने खुद दिया, ये मेरा टारगेट नहीं है दोस्तों। सो उसी से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडसइंड बैंक के लिए अच्छी बात है, जो कि ज़बरदस्त हम लोगों को कल के दिन का हीरो भी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे देखने को मिला था। लगभग 3.5% की जंप, लगभग 40 पॉइंट की जंप हम लोग कह सकते हैं। 1180 जो इसका मेजर लेवल था पहले, मैंने आप लोगों को कहा था मैंने भी 1180 का लेवल पे यहाँ पे 50% अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। तो उसके बाद जो 50% है मैंने अभी भी इसमें छोड़ दिया है, क्योंकि थोड़े से हालत यहाँ पे सुधरने के अभी थोड़ा सा गुंजाइश यहाँ पे आ चुका है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे जो इनका एक्सपोजर जो बहुत ही डिफॉल्टेड हम लोग देख सकते हैं, टेलीकॉम कंपनियां वोडाफोन आइडियाज की अगर हम लोग बात करें, एयरटेल से ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि एयरटेल का गोइंग कंसर्न कोई अफेक्ट नहीं हुआ है। सो वोडाफोन और आइडिया भी शायद से यहाँ पे बचाई जा सकती है। सो वो भी न्यूज़ अगर हम लोग नेक्स्ट ही न्यूज़ है उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अगर वोडाफोन और आइडिया को नहीं बचाया गया तो वो बंद हो जाएगी, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है इंडसइंड बैंक को बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, पैसे मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। लगभग 1000 करोड़ का एक्सपोजर सिर्फ वोडाफोन और आइडिया में उन लोगों का बना हुआ है, जो कि उन्होंने ऑलरेडी कह दिया था कि सुरक्षित है, बट उसके बावजूद भी हम लोगों ने खुद असेस वहाँ पे करना चाहिए। सो अगर वोडाफोन और आइडिया यहाँ पे बच जाती है तो इंडसइंड बैंक के लिए थोड़ा सा बहुत अच्छा खासा न्यूज़ ज़रूर रहेगा, क्योंकि कुछ तो हेयर कटिंग हो सकती है, वो तो सरकारी डिसाइड करेगी कि कितना लोन यहाँ पे देना है या नहीं देना है। बट येस, हम लोग ये तो कह सकते हैं कि कुछ तो हाथ कंपनी के ज़रूर लग सकता है। सो इसीलिए इंडसइंड बैंक अच्छे खासे परफॉर्मेंस में था। एंड दोस्तों, आखिरी न्यूज़ अगर हम लोग देखेंगे तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, वोडाफोन आइडिया से ही जुड़ी हुई थी AGR ड्यूज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते तो एयरटेल, आप सभी लोगों को पता है उसी से साथ जुड़ा हुआ है। सो ये दोनों शेयर से रिलेटेड अगर मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको लोगों को बता दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सुनील मित्तल एंड कुमार मंगलम बिरला जी यहाँ पे उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बात की है, एंड उन्होंने कहा है कि जो टेलीकम्युनिकेशन की जो क्राइसिस है उसको सुधारने के लिए कुछ उनको राहत दी जाए। बहुत ही बड़ा कर्जा है, कर्जे की अगर हम लोग बात करें तो यस, एयरटेल को इतनी प्रॉब्लम है नहीं। उन्होंने कहा है कि 17 मार्च से पहले हम लोग पेमेंट कर देंगे, 10 मार्च को तो उन्होंने ये भी कर दिया था, 10,000 करोड़ के आसपास का उन्होंने कह दिया था। एंड 17 मार्च से पहले मतलब जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होने वाली सेकेंड, उससे पहले वो ड्यूज़ को पूरा सेटल डाउन कर देंगे, एयरटेल ने तो बोल दिया था। प्रॉब्लम आती है वोडाफोन और आइडिया से रिलेटेड, अगर वहाँ पे राहत नहीं दी गई तो हम लोग देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया को शट डाउन किया जा सकता है, ऐसा कुमार मंगलम बिरला जी ने भी कहा है। एंड उसी दिक्कत को लेके वो फाइनेंस मिनिस्टर के सामने गए थे, निर्मला सीतारमन जी के सामने, एंड वहाँ से न्यूज़ ऐसी आ रही कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिला। तो हम लोग कह सकते हैं कि शायद से उनके जो डेप्ट है वहाँ पे थोड़ी सी कटौती की जा सकती है, एंड ये डिसीजन शायद से वैलिड भी हो सकता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है लगभग 10,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़, 13,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़, 13,500 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने लास्ट एक बार वीडियो बनाया था नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बोलते वक्त 13,500 करोड़ भी लगा बोल दिया था आगे, सो उसके लिए मैं सॉरी ज़रूर बोलूँगा। सो 13,500 इतने बड़े एम्प्लॉयज़ यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाएंगे, जो कि इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। एंड GDP भी आप सभी लोगों को पता है हमारा कोई खास अच्छा है नहीं, 4.5 बहुत ही नीचे आ चुका है। सो जो नया लक्ष्य यहाँ पे सरकार ने सामने रखा है उसको अगर अचीव करना है तो वोडाफोन एंड आइडिया को यहाँ पे ज़रूर उन लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प करनी ही पड़ेगी। तो ये मेरा खुद का मानना नहीं है, वो खुद यहाँ पे ऐसी बातें कर रहे हैं, तो देख लेते हैं आगे क्या होता है। एंड उसी न्यूज़ के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इन दोनों शेयर में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। उसी के साथ साथ अगर भारतीय एयरटेल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लगभग हम लोग देख सकते कुछ अच्छी न्यूज़ है, जो कि पहले नेगेटिव वॉच लिस्ट में रखा गया था वहाँ से उसको रेटिंग ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, फिच ने यहाँ पे रिमूव कर दिया भारतीय एयरटेल को रेटिंग फ्रॉम ना वॉच नेगेटिव। सो उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इस शेयर्स में अच्छी खासी न्यूज़ ज़रूर देखने को मिलेगी। बट येस, वोडाफोन और आइडिया एंड भारतीय एयरटेल को अभी भी मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोगों ने दूर रहना चाहिए इन। अगर आपको टेलीकम्युनिकेशन से ही जुड़ा हुआ कोई शेयर चाहिए तो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर आप फिलहाल खरीद सकते हो। जब तक जियो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसका इनडायरेक्टली इंपैक्ट आप लोगों को, रिलायंस जियो का जो परफॉर्मेंस रहेगा उसका इंपैक्ट आप लोगों को रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में ही देखने को मिलने वाला है। सो ओवरऑल सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने कवर कर दी, जो कि कुछ न्यूज़ कल के भी थे, कुछ न्यूज़ आज के भी थे। सो यह आप लोगों को अपडेट रखने के लिए बहुत ही हेल्प जरूर करेंगे। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।